हेलो प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 3 गणित में आज देखेंगे बड़ी छोटी या बराबर संख्याओं के बीच चिन्ह लगाना। चिन्ह हमेशा छोटी संख्या की तरफ, चिन्ह की नोक आएगी, यानी ये नोक है वो हमेशा छोटी की तरफ आएगी। चाहे छोटी संख्या हमारे सीधे हाथ की तरफ हो, चाहे हमारे बाएं हाथ की तरफ हो या दाएं हाथ की तरफ हो, तो हमेशा नोक जो तीर है वो छोटी संख्या की तरफ होगा। तो ये चिन्ह लगाना है हमें, जो कि हमें बड़े का दर्शाता है, ये बराबर का है और ये छोटे का है। तो देखें, सही निशान लगाएं। 40 है हमारे पास, यहाँ संख्या है 29। तो जैसा कि जानते हैं, यहाँ पर दाई का अंक 4 है, यहाँ दाई का अंक 2 है, तो 4 अंक बड़ा होता है, इसलिए तीर लगेगा छोटे की तरफ। तो 40 बड़ा है 29 से। 39 है यहाँ पर, 30 में 39, और यहाँ है 8, दाई एक इकाई नहीं 81, तो 81 बड़ा है 39 से, क्योंकि यहाँ पर दाई का अंक बड़ा है, इसलिए इसमें तीर लगेगा 39 में। 50 और ये 50 दोनों बराबर हैं, तो बराबर का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा सैकड़ा का अंक बराबर है, यहाँ दाई का अंक 1 है, यहाँ दाई का अंक 8 है, इसलिए ये बड़ा होगा, तो तीर लगेगा छोटे की तरफ। यहाँ इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े का अंक बराबर है, दाई का अंक यहाँ छोटा है, यहाँ बना बड़ा है, तो ये संख्या 1 से 10 बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से 47 है या 48 है, तो 48 बड़ी होगी। 45, 4 का अंक दाई या 7 है, तो ये दाई का अंक बड़ा होगा, इसलिए ये 45 बड़ा है, 45 छोटा है 72 से, तो तीर लगेगा 45 की तरफ। ये 8015, तो 80 है ये, तो ये बड़ा होगा। 205, 209, तो यहाँ पर 2 और 2 समान है, 0 0 समान है, 5 और 9 9 बड़ा है, इसलिए इसमें ऐसे लगेगा। ये 2 6 है और ये 2 9 है, तो यहाँ पर इकाई का अंक को देखेंगे, इकाई का अंक जो बड़ा है वही संख्या बड़ी होगी, तो यहाँ पर 29 बड़ी है, इसलिए इसमें ये चिन्ह लगेगा। तो बच्चों, इस तरह से हमने इसको बड़े छोटे या बराबर का चिन्ह लगाया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।